नमस्कार, सभी का केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा परमाणु से संबंधित कुछ शब्दावलियां। परमाणु से संबंधित शब्दावलियां, यानी इसमें परमाणु संबंधित कुछ परिभाषा वगैरह है, छोटी छोटी बात देखते हैं। तो सबसे पहले आता है नंबर एक, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं जेड से। किसे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। परमाणु क्रमांक होता क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को किसे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। एन ओ क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक। जेड बराबर क्या हो जाता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या किसको प्रदर्शित करते हैं? परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ये था अपना परमाणु क्रमांक। नंबर दो कहलाता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान या इसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक, द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ए से। किसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ए से। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या संख्या क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। अतः ए बराबर एन प्लस पी, ए बराबर एन प्लस पी। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या। एन क्या है? न्यूट्रॉन। पी क्या है? प्रोटॉन की संख्या। अगर आपसे क्वेश्चन में न्यूट्रॉन निकलवाए तो न्यूट्रॉन एन बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस पी, ए माइनस पी। इस प्रकार न्यूट्रॉन प्रोटॉन से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 92 यूरेनियम 235 या 238 235 लिख लो, 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉन न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 92 यूरेनियम 238 बहुत से क्वेश्चन कुछ भी आज इसमें आपको देगा और कागज प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपना संबंध क्या रहता है? ए बराबर एन प्लस पी, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। अब इसमें जो ऊपर लिस्ट जो संख्या लिखी जाती है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या लिखी जाती है? द्रव्यमान संख्या। तो ए बराबर कितना है? 235। ए बराबर क्या है? 235। 92 ये इसका परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, तो p बराबर कितना है? 92 92 है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे इसमें इलेक्ट्रॉन की या न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जा रही, तो n बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस पी। a की वैल्यू कितनी है? 235 माइनस p की वैल्यू कितनी है? 92 यानी 92। जो अपने वैल्यू आएगी किसकी आएगी? न्यूट्रॉन की संख्या की। इस प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या योग कितना हो जाता है? द्रव्यमान संख्या। अब बात इलेक्ट्रॉन की करते, जितने प्रोटॉन होंगे उस उदासीन तो उसमें कितने किलो होंगे? इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार आप किसी क्वेश्चन को इसको फॉर्मूले के साथ आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे है अपना परमाणु का प्रतीकात्मक प्रदर्शन, यानी परमाणु को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। परमाणु का प्रतीकात्मक प्रदर्शन, यानी परमाणु कैसे प्रदर्शित, तो परमाणु प्रदर्शित किया जाता है x बराबर z इंटू a, यानी x इसके नीचे z ऊपर a, या ऐसे भी लिखा जा सकता है z इधर a। जिस प्रकार से परमाणु का प्रदर्शित किया जाता है, यहां पर जो x है, x किसको प्रदर्शित करता है? प्रतीक को, परमाणु का
प्रतीक, यानी उसका प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, एच, ठीक है, सोडियम का क्या है, एन ए, तो वो किस की जगह ले लेंगे, वो एच की जगह, जेड किसको प्रदर्शित करता है, परमाणु क्रमांक को, जेड किसको प्रदर्शित करता है, परमाणु क्रमांक को, और एक किसको प्रदर्शित करता है, ए बराबर होता है इसकी द्रव्यमान संख्या, क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। इस प्रकार परमाणु का प्रतिकार प्रदर्शन क्या होता है, एक्स नीचे लिखा जाता है, जेड इसको ऊपर लिखा जाता है, ए, एक्स होता है परमाणु का प्रतीक, यानी जो उसका सिंबल होता है वो होता है, ए होती है उसकी द्रव्यमान संख्या और जेड होता है उसका परमाणु क्रमांक। तो यह तो हो गया अपना परमाणु का प्रतीकात्मक प्रदर्शन।